क्या कुछ होता है जिन्हें भीड़ से अलग पहचान मिलती है, क्या कुछ होता है उनमें जिन्हें भीड़ से अलग पहचान मिलती है, देश दुनिया में अलग रुतबा, खुशियां तमाम मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम गभेल, और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि व्यक्ति विशेष करके हम एक कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से एक भीड़ होती है दुनिया में, और भीड़ में कुछ लोग अलग होते हैं, खास होते हैं। तो इसी खास कार्यक्रम को लेकर मैं आज ग्योरा बस्ती आशीर्वाद स्टूडियो में आया हुआ हूं, और मेरे साथ छत्तीसगढ़ के सुपरहिट गीतकार कलाकार दिलीप राय जी मौजूद हैं। और जैसा कि मैं जानते हैं आप सभी कि हमारा कोरबा जिला जो है कोयले की खान है, और आप सभी जानते हैं कि कोयले की खान में कोयला तो कीमती होता ही है, लेकिन उस कोयले की खान में ही हीरा निकलता है, और वैसे ही संगीत के हीरे दिलीप राय जी हैं। तो दिलीप राय जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि होली का त्यौहार है और आज से ही चालू है, और कहीं ना कहीं मैं आपके देख रहा हूँ होली के गाने भी चल रहे हैं, आपके चार पांच अभी चल ही रहे हैं, और आजकल में और भी आने हैं। तो इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी शॉर्ट नोटिस में आपने ओम गभेल को मेरे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, उसके लिए पहले धन्यवाद, आभार। अब सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओम गभेल के पास सवाल बहुत सारे होते हैं। तो मैं पहले सवाल ये लूंगा कि जैसा मैं भी व्यक्तिगत और लोग भी देखते हैं, साथ में रहते हैं, वो कहते हैं कि दिलीप राय जी बहुत शांत मिजाज के हैं, बहुत ही मतलब शर्मीले मिजाज के हैं, जैसे व्यक्तिगत मिलते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है, कैमरे में जब आप या लाइव स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, तो एक अलग स्वरूप, एक मतलब एक बॉलीवुड स्टार। तो मैं वही जानना चाहूंगा कि ऐसा कैसे कर लेते हैं आप। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं चैनल के माध्यम से मेरे सभी दोस्तों को, बड़े बुजुर्गों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ, और साथ ही साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई है आप सभी को। और आपका यह प्रश्न बहुत बहुत ही यूनिक और बहुत सुंदर प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैटर है कि कैमरा में आने के बाद, और ये भी सही है कि हाँ मैं गंभीर हूँ और थोड़ा शर्मीला भी है, लेकिन जब जैसे स्टेज में आना होता है, स्टेज में जब प्रोग्राम के दौरान या फिर कैमरा के सामने में, तो एक किरदार आता है, ना कि दिलीप राय वहाँ पे होता है, तो ऐसा सोच करके जैसे कोई भी सॉन्ग है तो उसमें या तो फिर डांस करना है हीरो को, या फिर थोड़ा से कॉमेडी करना है, तो वहाँ पे वो किरदार रहता है, तो बस वही, और जो भी बनता है और जो भी मैं कर लेता हूँ, सब मेरे चाहने वाले हैं। मतलब देखिए, एक स्टूडियो में परफॉर्मेंस करना, चार लोगों के बीच परफॉर्मेंस करना, आपके आज शायद ही ऐसा कुछ होगा, मैं देखता हूँ शादी है, कुछ विशेष कार्यक्रम है, आप लाइव स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, हजारों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उस समय भी लोग है ना, हम लोग तो एक दो लोग से बात करते हैं तो हमको भी थोड़ा सा वो लगता है, ये सब चीज़ें करते हैं, बहुत यूनिक है, और साक्षात भगवान का आपको आशीर्वाद है, ये भी इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं सवाल अगला लेता हूँ कि जैसे देखिए, एक सवाल और अपना था कि आप इस लाइन में कैसे आए, जैसे कि इस लाइन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़े लिखे, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, ऐसा सपना होता है, क्योंकि देखिए आप गीतकार हैं, गायक हैं, तुरंत तो आपको शोहरत नहीं मिल गया, काफ़ी दिन लगा, अब गाने बजाने में काफ़ी समय लगता है, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, कैसे मतलब आप इस लाइन में आए, और ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जी, मैं शुरू से बताना चाहूँगा, चार भाई बहने हैं हम लोग, भैया सबसे बड़े हैं जिनका नाम मनोज है, फिर उनके बाद में दो जने दीदी हैं, सरोज सरिता, फिर मैं। जी, तो भैया जब छोटे थे, हम लोग तो और छोटे थे, तो भैया छोटे थे तो पूजा वो करते थे बहुत ज़्यादा, शुरू से मतलब धार्मिक लाइन में था पूरा घर। जी जी, जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोग के घर में मंदिर है अभी। जी जी, तो माता आती थी, अचानक से एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया भैया का, फिर
सब घर में सब परेशान थे कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे करके, फिर अचानक से एक दिन उनके ऊपर माता आई, फिर वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ धाम लगना हम लोग के घर में मंगलवार शनिवार को, ऐसा करके सिलसिला चालू हुआ, घर का हालात भी ठीक ठाक चलने लगा। फिर वही दौरान पहले समय अभी से मतलब हम लोग देखें अगर 16-17 साल पीछे अगर चले जाएं तो कीर्तन भजन और जस गीत नवरात्रि गांव गांव गली गली में बहुत चलता था, बहुत चलता था। और तो उसी दौरान मोहल्ले मोहल्ले के सभी महिलाएं जैसे कीर्तन उर्तन सब गाती रहती थी तो मैं भी जाकर बैठ जाता था, ये अलग से रुचि था। तो मानना है कि इसको मैं गॉड गॉड गिफ्ट कह सकता हूँ, संगीत के मतलब उसमें जैसे गाना सुनना हो या गाना को समझना हो कि गाना क्या है, इसका मैटर क्या है करके, तो इसका एक अलग ही रुचि था। ये आप जो एल्बम बना रहे हैं गीत गा रहे हैं तो कितने वर्ष हो गए आपको इसमें? पहला एल्बम आया था 2013 में और एल्बम का टाइटल था कारी टूरी घुमाहू तो लो केवरा बजा, जी बहुत फेमस है, बहुत फेमस हां ये उस समय हां बहुत तो यहां से फिर शुरुआत स्टार्ट हुआ और आज 2023 है और 350 से भी ज्यादा गीत गा चुका हूं। जी बहुत बड़े मतलब आप एल्बम में कदम रखे, कारी टूरी गाए और पूरा आपके साथ गेवरा बस्ती पूरा फेमस हो गया। नहीं ठीक है। देखिए क्या होता है, 2013 से 2023 10 साल का ये सफर है, 10 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। इसी से बात करूंगा, ना कि पारिवारिक ना किसी और मैटर से, इसी गीत गायकी में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया हो मन में, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, ऐसा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ टर्निंग पॉइंट तो आया था और बताते हुए खुशी भी हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा। जब से 2013 से ए वी एम स्टूडियो को जहाँ कहाँ सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था और फिर बीच में 3 साल का एग्रीमेंट हुआ और फिर 3 साल एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद, और जैसे ही समाप्त हुआ 3 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, फिर लॉकडाउन चालू हो गया, कोरोना भी आ गया उसी बीच में, फिर रायपुर आना जाना बंद हो गया, रिकॉर्डिंग शूटिंग वूटिंग सब बंद हो गया, क्या करें करके। फिर अचानक से ख्याल आया कि चलो एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया और पिताजी से भी मैंने सलाह लिया, संतोषपुर बाबूजी से मैंने बकायदा सलाह लिया कि बाबूजी ऐसा सोच रहा हूँ करके, तो उन्होंने बोला ठीक है करके करो मस्त, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो आप करके। तो फिर मैंने स्टूडियो डाला, लेकिन वहाँ पे एक देखिए एक बड़ा जगह में रिकॉर्डिंग हो रहा है, वहाँ से रिलीज हो रहा है, एक केंद्र है कहीं ना कहीं रायपुर छत्तीसगढ़ का हमारा केंद्र है, वहाँ से रिलीज होता है, तो फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है। और एक छोटा सा फिर मतलब वहाँ पहुँच करके फिर स्ट्रगल, नया सब कुछ जमाना था, तो ये पूरा जितना नाम था मान सम्मान था सब एक दाव में लगा करके मैंने स्टार्ट किया था। और माँ जगदम्बा कृपा है, माता पिता का आप सबका आशीर्वाद था, तो फिर सब बढ़िया सही हुआ। और बीच में फिर क्लिक भी हुआ सॉन्ग, एक रुपया अंडा वाली और घड़ी के कांटा का टिक टिक जैसा मेरा यूनिक रहता है सब, तो कुछ ना कुछ नया प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं बस यही हमेशा कहता हूँ कि आप सबका ही आशीर्वाद है, कोई ये ना कहे कि मैं मस्त गाता हूँ या सुंदर मेरी आवाज़ है, मेरा यही मानना है कि आपको गवाता है जो ऊपर बैठा है, तो बस यही है, आप सबका प्रेम है आशीर्वाद है जितना भी है। जी निश्चित रूप से बड़े एक बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ देना, फिर छोड़ के आना और फिर अपने खुद का एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना, बहुत सारी चुनौतियां रहती है। और चूंकि कहते हैं मेहनत करने वालों के लिए तो हर रास्ता सरल हो जाता है, और निश्चित रूप से आपकी मेहनत ही यहाँ तक आपको लाई है। कभी ऐसा हुआ होगा कि जैसे आप किसी गाने के लिए बहुत मेहनत की, काफ़ी सारी धनराशि लगी, काफ़ी समय लगा, काफ़ी लोगों की मेहनत उसमें लगी रही और वो गाना नहीं चल पाया, कम लोकप्रिय हुआ। हाँ। और कभी कभी ऐसा हुआ कि आपने मेहनत नहीं की, ऐसे बैठे बैठे बोले एक रुपया अंदा ऐसा कुछ भी बोले और गाना पॉपुलर करोड़ों में चला गया, तब क्या स्थिति रहती है आपकी, मनोस्थिति क्या रहती है उस समय? होता है ऐसा, लेकिन उसको फिर एक्सेप्ट करना भी पड़ता है, क्योंकि एक अजीब चीज है संगीत कि कब क्या चीज क्लिक हो जाए, कब क्या हिट हो जाए, कब किसको क्या पसंद आ जाए, कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता। घड़ी का कांटा का टिक टिक सोचने में और सुनने में, हाँ सामान्य शब्द है। तो
अंडा वाला, हम लोग ऐसे छोटा भाई है रवि कुर, तो उसके सगाई में हम लोग जा रहे थे रायगढ़, तो ऐसे चुटकी बजाते बजाते बीट बीट के ऊपर में फिर इसको गाना चालू किया और फिर जस्ट तुरंत फिर रिकॉर्ड ही कर दिया और हिट हो गया। तो ऐसा है। और वो जो आप बात बोले कि बहुत ज्यादा मेहनत कोई सॉन्ग में लगा रहता है, पैसा भी लगा रहता है, बहुत ज्यादा उम्मीद भी रहती है कि हाँ ये चले करके, और उतना नहीं चल पाता है तो ऐसा भी होता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना भी पड़ता है कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे और फिर से मेहनत करेंगे। वही, क्योंकि मैंने एक रुपए अंडा वाले के बारे में सुना था जी, तो मैं इसलिए सवाल भी हमारे जहन में था। ऐसा होता, और चूंकि आपने एक रुपए अंडा का एक वर्जन लिया, वो भी करोड़ों में व्यू गए, फिर उसी का दूसरा पार्ट भी आया वो भी, और आपने ही पास में, ज्यादा दूर भी नहीं, विकास नगर में ही शूटिंग किए थे, और उसमें शूटिंग भी बहुत लोगों ने देखा था, और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे मेरे बच्चे, मेरे परिवार में बच्चे और भी, मतलब बच्चों बच्चे लोग आपका रील भी दिखते हैं, तो उसमें एक रुपए अंडा तो फिर झूमने लग जाते हैं, एक साल डेढ़ साल के बच्चे झूम उस एक रुपए अंडा वाले गाने में झूमने लग जाते हैं जी। और जिस जहाँ पे जाइए, शादी में पूरे छत्तीसगढ़ कहीं भी चल जाइए, एक रुपए अंडा वाला वाकई बहुत है। और हम तो आपको, क्योंकि हम ज्यादा दिन से नहीं मैं जान पाया, अब आप जब से आपको जान रहा हूँ, तो एक रुपए अंडा फेम ही हम आपको बोलते हैं। तो देखिए, ये मेरे तो सवाल तो जारी रहेंगे ही, और चूंकि हमारे दर्शकों का समय भी हम अमूल्य है, तो मैंने जब ये कार्यक्रम को शुरुआत किया, इसका प्रचार किया, तो मैंने कहा था कि हमारे दर्शक भी वो मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करें और दिलीप लाया जी से बात करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में मुझे कई लोगों ने संदेश भेजा, कई लोगों ने कुछ बात कही। कवर्धा से, कवर्धा जिले के ग्राम भुवालपुर से, वहाँ उप सरपंच है जी, वो राजधानी गवेल जी भाई ही हैं, वो भी राजधानी गवेल जी का सवाल है कि मैं भी नील कमल जी को देखकर बड़ा हुआ हूँ, आपको देखकर बड़ा हुआ हूँ, तो उनका कहना उन्हीं से मैं भी रामायण वगैरह में गाना गाता हूँ, गीत गाता हूँ, लेकिन मुझे वो सफलता नहीं मिल रही है। तो मैं उनका सवाल यही है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से दिलीप राजी से जानना चाहता हूँ कि मुझे भी मार्गदर्शन करें कि मुझे भी वो ख्याति कैसे मिले, मैं क्या करूँ, एक सवाल इसके बारे में। जी जी, मैं पूरा तमाम सवाल का एक जो मूल मैं अपने हिसाब से कहना चाहूँगा इसके जवाब के रूप में, कि देखिए गीत जो है एक एक शब्द के ऊपर में डिपेंड होता है, और जैसे कि अगर कोई पूछे कि भाई गीत कैसे लिखा जाए, तो इसका एक सूत्र है कि कोई अंदर आत्मा से बनता हो, तो कोई भी अगर लिखता है, जैसे मैं भी अगर लिखूंगा तो जैसा मेरा स्वभाव है वैसा मैं लिखूंगा, लेकिन इसका एक सूत्र मैं बता सकता हूँ कि अभी क्या चीज़ चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, या फिर मेरा ही सॉन्ग रहता है तो मेरा कुछ अलग टाइप का शब्द रहता है मेरा तमाम सॉन्ग में अगर देखा जाए, तो उस हिसाब से एक सूत्र हो सकता है कि क्या चल रहा है, कुछ नया शब्द जिसको सब जानते हों लेकिन उसको कोई सोचे ना रहे कि इसका सॉन्ग बन सकता है करके, तो एक प्रयास ऐसा भी किया जा सकता है। और जीवन में सच्चाई का भी बहुत बड़ा महत्व है, जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भाई या इसको हमें पार करना है इस पड़ाव को करके, और जीवन तो संघर्ष ही है, और एक बात और है कि जीवन में, खुद के जीवन में बैक सपोर्ट और आपको रोकने टोकने वाला भी जीवन में होना चाहिए, सही मार्ग दर्शन, सही मार्ग, सही दिशा दिखाने वाले भी की जरूरत है। हाँ, विरोधी भी रहेंगे तभी पता चलेगी ताकत कितनी आपकी, ये और और कहने का अर्थ है कि साथ में भी आपके जो आपको सही दिशा दिखा सके, ऐसा भी, जैसे मेरे साथ मेरे जीजा जी शुरू से हैं, अजय कुमार जो आशीर्वाद म्यूजिक कंपनी के निर्माता हैं, तो उनको मैं क्या बोलूँ, शुरू से ही एक बच्चे की तरह, उंगली पकड़ा करके चला रहे हैं और हमेशा कुछ भी गलती नहीं होने देते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोकने टोकने वाला तो बहुत यहाँ पे होता है। शब्द यहाँ पे शब्द डालो आप तब ठीक रहेगा, यहाँ पे ये ठीक नहीं रहेगा करके, तो यहाँ पे बहुत जरूरत है रोकने टोकने, और आपका बैक सपोर्ट कैसा है। एक और सवाल है हमारे कोरबा जिला के अधिवक्ता है छतराम साहू जी, उन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई बहुत ही मधुर आपकी आवाज़ है और माँ सरस्वती का, इसको ने वीडियो भेजकर बकायदा सवाल इनसे किया है कि भाई माँ सरस्वती का वास है इनके कंठ में, तो उन्होंने कहा कि भाई और भी जो युवा, हालांकि इसका जवाब आपने इसमें दिया है, आगे बढ़ना चाहते हैं,
इसी फील्ड में, तो उनके लिए क्या संदेश है, किस तरह से आगे बढ़े फील्ड में? अभी इसके लिए मैं एक अच्छा सा जवाब देना चाहूँगा। और साहू जी, मेरे ख्याल से मैं साहू जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा अच्छा जब वो देखेंगे इंटरव्यू तो उनको खुशी भी होगा जी। तो मित्र को मैं जवाब देना चाहूँगा कि देखिए अभी अभी का पूरा ये पूरा संसार तो पहले बात पूरा निगेटिव वाइब्रेशन की ओर पूरा चले जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी लाइन में अगर हम कहीं जाते हैं अभी तो वहाँ पे ऐसा ऐसा मिलता है कि राय जी कुछ व्यवस्था करूँ क्या या कुछ चाहिए क्या, जो भी ऐसा होता है। और वहाँ पे बोलने में फिर मतलब यकीन नहीं किया जाता कि मैं नशा नहीं करता कुछ भी। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी नशा नहीं किया जी जी, ना करना भी नहीं चाहिए। तो वही मैं बोलूँगा कि सभी से जितना भी सफल होना है तो युवा वर्ग के जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन जितने भी, तो नशा नहीं करना है कभी भी। पहले तो हमारा बॉडी हमारा शरीर बड़े स्वच्छ रहे और मजबूत रहे, तब तो हम उसमें मेहनत कर पाएंगे भाई। ठीक बात। एक मतलब ये इनका यही कहना है कि पहले तो आपको किसी भी काम करना है तो शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, और नशा नाश का द्वार है ही है। हाँ। तो दिलीप राय जी बिना मतलब नशा नहीं करना है और उनके सफलता का मंत्र है नशा नहीं करे, फिर कोई भी काम कीजिए अपने आप सफलता मिलेगी। गेवरा बस्ती की ही एक और है अश्वनी दास जी हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा सवाल किया है कि भाई आपके सफलता का मूल मंत्र हमें बताइए। हमें उनका ये सवाल है कि भाई दिलीप राय जी से सफलता का मूल मंत्र चाहिए। उन्हें सफलता का मूल मंत्र यही है कि जिस काम में, जैसे अब मेरा बेस क्या है, मेरा संगीत, मैं एक सिंगर हूँ और खुद से माँ सरस्वती का वरदान है कि आवाज गायकी के साथ में खुद से मैं गाना भी लिख लेता हूँ, जैसा भी बनता है। तो मैं हर वक्त उसमें लीन रहता हूँ संगीत में, और साथ ही साथ मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मेरा खुद का स्टूडियो है आज की डेट में। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं दिन भर संगीत में ही लिप्त रहता हूँ। तो यही सफलता का मंत्र है, माता पिता का आशीर्वाद है। जिस काम में है उस काम में लिप्त है, इसलिए वो सफल है। इसलिए ऐसे और कई हैं, और इसी में से एक सवाल और मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी लोगों का सवाल था उसमें एक सवाल अच्छा ही लगा। जैसे हम कहते हैं हमारे देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, चूंकि दिवंगत हो गई स्वर्गीय लता मंगेशकर जी थी, उनका एक गाना था कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और कहीं ना कहीं ये जो मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ये वाकई में उनकी जो आवाज़ है वैसा आवाज़ आज तक नहीं। और हमारे भी दर्शकों ने, कई लोगों ने कहा, मैं स्वयं कहता हूँ इस चीज़ को कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो सुपरस्टार दिलीप राय जी हैं, उनकी आवाज़ भी कहीं ना कहीं बहुत लोग बहुत गायकों से भिन्न है, यूनिक है। तो ये अपन जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये आवाज़ जन्म से है, या इस आवाज़ को पाने के लिए, निखारने के लिए और कुछ आपने मेहनत की है, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, आवाज़ तो गॉड गिफ्ट है और माँ सरस्वती का वरदान है, और जो भी बनता है जैसा ही बनता है। मैंने संगीत भी नहीं किया है, गायकी गॉड गिफ्ट है, और संगीत एक ऐसा चीज़ है कि आप हमेशा आप सीखते रहो। हर गीत में एक चुनौती होता है और उसको पार करना होता है। हाँ, स्वीकार करते हुए पार करना चाहिए। तो बस मैं कभी भी स्टूडियो में, चाहे रायपुर में गाऊँ कि यहाँ गाऊँ, कभी भी कहीं भी मैं गाया हूँ, आज 350 से भी ज़्यादा गीत मैं गा चुका हूँ, तो हर गीत को एकदम वही लगन के साथ, वही मोहब्बत के साथ, वही मेहनत के साथ मैं गाता हूँ जी। और यही राज है उसका, और बाकी आप सबका प्यार है, मैं क्या बोलूँ। नहीं, जैसे क्या है, शुरू में जब हम भी गाने सुनते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब आवाज़ मिक्स है, ऐसा लगता था। फिर हमने आपका इंटरव्यू देखे, आपके स्टेज परफॉर्मेंस देखे, तो नहीं बोले ये आवाज़ दिलीप राय का ही है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। अब चूंकि समय काफ़ी हो गया और आपसे विदा भी लेंगे, क्योंकि तो मैं चाह रहा था कि भाई हम एक आपकी आवाज़ का एक जादू हमारे दर्शक जो आपको, चूंकि होली का त्यौहार भी है, चूंकि तो एक हमारे दर्शक के लिए आपकी तरफ से एक छोटा सा नजराना जी। ते झकास हसो तोला ले जाते भगा के, लाजवाब हसो तोला ले जाते भगा के, रंग रंग पहिराते आनी बानी खवाते,
रंग रंग पहिराते आनी बानी खवाते तय झकास हसो तोला ले जाते भगा के लाजवाब हसो तोला रंग देते बला के। बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वैसे ही आप भी झकास है हमारे लिए। हमें अवसर मिले तो हम भी भगा के ले जाए आपको हमारा एक नया स्टूडियो खोल ले। तो दर्शकों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे दिलीप राय जी थे जिनसे आज काफ़ी सारी चर्चा हुई और फिर एक नए चेहरे से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और होली का यह त्यौहार आप सभी के लिए विशेष शांति और सद्भाव से भरा हुआ हो और शांति रूप से होली मनाए यही भी हम दुआ करते हैं क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कोरबा पुलिस बहुत सख्त है इस बार। तो होली शांति से मनाएं। धन्यवाद।